जय गुरु। सभी सत्संगी गुरु भाई और माँ को एक विनम्र अनुरोध है कि परम प्रेरणा से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के ग्रैंडसन और सत्संग आश्रम देवघर के प्रेसिडेंट पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा के छोटा भाई पूज्यपाद श्री श्री मेजदा का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और वो चिकित्सित है, तो उनका आरोग्य और जल्दी ठीक होने के लिए हम लोग 3-4 दिन शाम के टाइम में श्री ठाकुर जी के पास प्रणामी निवेदन करके आशु आरोग्य के लिए कामना करेंगे। चलते आज आम 3 आलोचना प्रसंग उपर आलोचना करवा। मनीष जीवन उद्देश्य कौन होगा उचित? श्री ठाकुर कहते भगवान को उपलब्धि करवा, सेवा करवा और तांको उपभोग करवा। आम भगवान संगे मिसी भक्त सत्ता लोप करदे चाहूना, ताहले तांको उपलब्धि करार आनंद न थाए। आम चाहूँ से चीर सेव्य हो एवं आम तांकर चीर सेवक हो रहू। आम चीनी हो जाकू चाहूना, चीनी खाइबा चाहूँ। वैष्णवगण भक्त भगवान नित्य संपर्क में विश्वासी, से मध्य सरीजे ना आमे मध्य सरीजु ना। अनंत काल धरी स्वसतारे अवस्थान करी आमे तांकरी अभिमुखे धावित हेबू, तांकरी सुख साधन रे रत रहिबू। आउ एहारी भीतर देई तांकु आमे अफुरंत भावे बा असरंती रियलाइज ओ एंजॉय उपलब्धि ओ उपभोग करिबू। मोर एई प्रकारटा ही भल लागे। आ गोटे आलोचना होची कि तुम देहरे पवन बाजिब केबे बा धर्म मंजूरित हो उठिब केबे। चलिवार सहज पथटा मनीष को धराय देया पई दुनियामय सहस्र सहस्र इष्टनिष्ट आचारवान ऋतिक अधुर्य और जाजकंकर प्रयोजन। सेमानंक देहर पवन जेउठे जाई लागिब सेइटारे ही धर्म मंजूरित हो उठिब। एटा ठीक जान तुमर माइक्रोकोजम या बेष्टी जीवन रे जदि धर्मर जागरण न हुए, तुमर माक्रोकोजम या विश्व जीवन रे तुम्हें धर्मर प्रतिष्ठा करि परिबेनि। कारण तुम्हें जदि आत्मनियंत्रण पथ जान ताहले ही दुनिया को नियंत्रण करि परिबो, नचेत नुहे। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड 12 डिसेंबर 1941। तृतीय आलोचनाटी है पुनर्जन्म। हक साहेब पचारुछंदी पुनर्जन्म जिनिसटा कौन अच्छी? से श्री ठाकुर कहते आपण मैने रोज कियामत जेउटा को कहती मोर मन हुए सेटा पुनर्जन्म ही नामांतर। मनीष जो भाई भाव नहीं जाए से भाव नहीं स्त्री पुरुष जोठारे जिते बड़े मिलित हमें सेठार से तार पुनरागमन संभावना हुए। पुनराय शरीर रे कायम हेबार एही जेउ रीति एहा को ही बोध हुए कुहा जायछि रोज कियामत। मु अवश्य कुरान टोरान पढ़िनी मूर्ख मनीष कौन कहवा को कौन कहे। मोर जेपरी मथार आसे ता एहा सुनिछि पुनर्जन्म कथा कुरान रे भी अछि। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड 24 डिसेंबर 1941। जय गुरु।